नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज सवालों से घमंडी कलाकारों को सुलगाएंगे, जिससे बॉलीवुड गैंग जल उठेगी, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने बॉलीवुड का बॉयकॉट शुरू कर दिया है, पूरा का पूरा बॉलीवुड सदमे में आ गया है। लाल सिंह चड्ढा ने आमिर खान की संपत्ति दांव पर लगा दी है, तो ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले ही करण जौहर के तोते उड़ गए हैं। ना सलमान खान को नींद आ रही है, ना शाहरुख को चैन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जनता ने चंद पलों में बॉलीवुड को उसकी औकात याद दिला दी है, और खुद फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ घमंडी अभिनेताओं की वजह से पूरे बॉलीवुड को मार झेलनी पड़ रही है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं कि क्या बॉलीवुड के बायकॉट के लिए खान गैंग जिम्मेदार? क्या अभिनेताओं का घमंड बॉलीवुड को ले डूबा? क्या लाल सिंह चड्ढा की गिरावट ने खोल दी आंख? क्या खत्म हुआ आमिर, सलमान और शाहरुख खान का करियर? बॉलीवुड के बर्बाद होने की असली वजह ये खान गैंग है, यानी सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। इन लोगों के तानाशाही, जिहादियों का समर्थन और हिंदुओं के खिलाफ नफरत के बीज ने बॉलीवुड को तबाह किया है। डायरेक्टर सोचते हैं कि इन सुपरस्टारों को फिल्म में हीरो बनाएंगे तो फिल्म दौड़ जाएगी, लेकिन अब लोग फिल्म के हीरो को कम, फिल्म की कहानी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और इस खान गैंग से तो लोगों को नफरत होने लगी है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बॉलीवुड की इज्जत दांव पर लग गई है। सलमान खान से लेकर शाहरुख खान और बचे कुचे आमिर खान भी मिट्टी में मिल गए हैं। इनका करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद से वो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आमिर खान को लोगों ने चंद मिनटों में उनकी औकात याद दिला दी है। जिहादी गैंग के भूपू आमिर खान वही शख्स हैं जिन्हें बीते दिनों देश में रहकर डर सता रहा था। उनकी बेगम को चारों ओर खतरा दिखाई दे रहा था। जिस देश में खा रहे हैं आमिर खान, उसी देश की बुराई कर जिहादी गैंग को खुश करने का काम कर रहे थे, लेकिन लोगों ने चंद पलों में उन्हें दिखा दिया कि देश से गद्दारी बर्दाश्त नहीं। ऐसे में आमिर खान मुखौटा पहनकर देशभक्ति का दिखाने का नाटक भी किया, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आई। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का विरोध तो किया ही, बाकी फिल्मों से भी किनारा कर लिया। इसी वजह से अब करण जौहर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले ही छटपटाने लगे। उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि जब आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं को जनता ने चित कर दिया, तो उनकी औकात क्या है, और अगर फिल्मों में नहीं चलेगी तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, कमाई होगी नहीं, खान गैंग की ऐशो अय्याशी पर भी लगाम लग जाएगा। इसलिए अब बॉलीवुड से ही खान गैंग की अकड़ पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ अभिनेताओं की वजह से फिल्में धड़ाम से गिर रही हैं। बॉलीवुड इस समय बड़े संकट से गुजर रहा है और दर्शक उससे दूरी बना रहे हैं। पहले अक्षय कुमार और रणवीर सिंह की फिल्में, फिर रणबीर कपूर के 4 साल बाद कमबैक के बावजूद शमशेरा का डूबना, और अब आखिरकार आमिर खान जैसे परफेक्शनिस्ट की लाल सिंह चड्ढा का लंबे वीकेंड में भी 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा न छुपाना बॉलीवुड के लिए गहरी निराशा का कारण है। इन हादसों के पीछे जो कारण गिनाए जा रहे हैं, उनमें से एक ये है कि बॉलीवुड सितारों को बहुत घमंड हो गया था और वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखा रही है। फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग भले ही इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे अहंकार की बात पर विचार मंथन शुरू हो गया है। इससे आगे शायद खुलकर स्वीकार भी किया जाएगा। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को लेकर फिल्म रईस बनाने वाले निर्देशक राहुल ढोलकिया से इसकी शुरुआत हो गई है। ढोलकिया ने ट्विटर पर लिखा कि 5 ऐसी बात है जिन पर बॉलीवुड गौर और सुधार करे तो स्थितियां संभवत बदल सकती हैं। फिल्म इंडस्ट्री को मेरी 5 सलाह। पहला, अच्छी फिल्म बनाए। दूसरा, फिल्म निर्माण की लागत कम करें। तीसरा, फिल्मों के टिकट दर बहुत कम करने की जरूरत है। चौथा, फिल्म को कम से कम 3 महीने तक OTT पर रिलीज न करें। 5वां, घमंडी न बने, सबको साथ लेकर चले।
राहुल ढोलकिया की बात सुनकर बॉलीवुड और खान गैंग में सन्नाटा परस गया है। लेकिन ट्विटर पर आम लोगों ने ढोलकिया की बातों का स्वागत किया है। कई लोगों ने कहा कि पहली बार फिल्म इंडस्ट्री का कोई शख्स बॉयकॉट बॉलीवुड मुहिम को फिल्म में फ्लॉप होने का दोष न देते हुए ईमानदारी से सच्चाई स्वीकार कर रहा है। कई लोगों ने यह भी कहा कि इन बातों में बॉलीवुड को सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना बंद करना पड़ेगा। किसी ने कहा कि बॉलीवुड को अब फिल्मों के रीमेक और नकल बंद करके ओरिजिनल आइडियाओं पर काम करके फिल्में बनानी चाहिए। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि बॉलीवुड वालों को नेपोटिज्म भी बंद करना पड़ेगा। वैसे बॉलीवुड के बॉयकॉट की असली वजह ये खान गैंग ही है। इन लोगों ने अपनी ज्यादातर फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक बना कर रख दिया है, लेकिन देश का हिंदू जाग चुका है जो हिंदुओं के खिलाफ अब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जिहादी गैंग के भोपू आमिर खान जो सबसे ज्यादा अपनी फिल्मों में हिंदुओं का मजाक बनाते हो, पीके फिल्म में भी आमिर खान ने देवी देवताओं का मजाक बनाया था, तब भी ट्विटर पर #boycottpk ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने इस फिल्म के लगातार बहिष्कार की मांग भी उठाई थी। ट्विटर पर फिल्म की आलोचना कर रहे लोगों को इस बात से शिकायत है कि फिल्म के बड़े हिस्से में हिंदू देवी देवताओं और धर्म गुरुओं का मजाक उड़ाया गया। कई लोगों ने फिल्म पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि पीके जैसी फिल्में सिर्फ हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए बनाई गई और हाल ही में आपने काली फिल्म का पोस्टर देखा होगा जिसमें सरेआम मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया। ये कारनामा करने पर फिल्म की निर्देशक लीना के खिलाफ कई राज्यों में FIR भी हुई, बावजूद इसके भी OTT पर यह फिल्म रिलीज की गई, लेकिन हिंदुओं ने इसे भी औंधे मुंह गिरा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जब हिंदुओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेता इस फिल्म का सपोर्ट करती दिखाई दी। बताया कि हर जगह काली की पूजा का अलग ट्रेंड है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसके साथ OTT पर रिलीज हुई अनुराग बसु की फिल्म लूडो के एक सीन पर लोगों ने धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया था। फिल्म के एक सीन में नाटक करने वाले 3 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की वेशभूषा में सड़क पर नाचते कूदते दिखाई दिए थे। यही नहीं, एक सीन में भगवान शंकर और महाकाली गाड़ी को धक्का लगाते दिखाई दिए। अनुराग बसु इस खान गैंग की थाली के ही चट्टे बट्टे हैं। वहीं सैफ अली खान स्टारर वेब सीरीज तांडव में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था। इस सीरीज में दिखाए गए सीन पर जमकर बवाल हुआ था। सीरीज के एक सीन में कुछ लोग कॉलेज प्ले में भगवान शिव का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए इसे बैन करने की भी मांग की गई थी। यानी कि खान गैंग की ज्यादातर फिल्मों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। आज उन्हीं हिंदुओं ने खान गैंग को चौपट कर दिया है, खान गैंग की सारी अकड़ निकाल दी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही, कल नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।